अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वजी अहमद। नाज़रीन, हाल ही में अफ़गान तालिबान दोबारा से अफ़गानिस्तान पर काबज हो चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि इस वक्त काबुल में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है वो है ख़वातीन का बुरका। आखिर क्या वजह है कि ख़वातीन के बुरके की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वही अफ़गानिस्तान जहाँ पर 1970 की दहाई में ख़वातीन स्कर्ट्स पहनकर सड़कों पर घुमा करती थी, अब वो बुरके पहनने पर मजबूर हो चुकी हैं। तफसीलात बताते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान के शहर काबुल पर कब्जा किया है तो वहां फैलने वाली अफरा तफरी से मुतालिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। इस दौरान कुछ ऐसी पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं, जिनमें अफगान खवातीन को काबुल की सड़कों पर मिनी स्कर्ट्स पहने देखा जा सकता है। ये तस्वीर सन 1970 की दहाई की है। जिन लोगों ने इन तस्वीर को पोस्ट किया है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगरचा इस मुल्क के बेशतर लोग मुस्लिम रवायात और रस्म रिवाज के पाबंद हैं, लेकिन माजी में अफगानिस्तान की खवातीन को अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल था। बहुत से लोगों को सन 1996 से सन 2001 तक का तालिबान का वो दौर भी याद है जब मर्दों के लिए दाढ़ी रखना और खवातीन के लिए बुरका पहनना लाजमी करार दे दिया गया था। तालिबान ने टीवी, मौसीकी और सिनेमा पर भी पाबंदी आयद की थी और 10 साल या इससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी थी। तालिबान की हालिया पेशकदमी के बाद यही खौफ और खदशात बेशतर लोगों के दिलो दिमाग छाए हुए हैं और सोच रहे हैं आया तालिबान के इस दौर में खवातीन की हालत वैसी ही हो जाएगी जैसा कि पहले दौर में। तालिबान के दौर में खवातीन पर समाजी, ज़हनी और जिस्मानी मजालिम की कहानियां मंजरे आम पर आती रही हैं, लेकिन क्या वहां खवातीन को वो आजादियां मुयसर थी जैसी सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर पोस्ट करके बयान करने की कोशिश की जा रही है। कैलिफोर्निया में रहने वाले इंडियन नसाद डॉक्टर हुमा अहमद ने कुछ अरसा कबल अफगानिस्तान में खवातीन पर एक तहकीक की मकाला लिखा था। वो कहती हैं ये वो वक्त था जब काबुल में अपर क्लास से ताल्लुक रखने वाले मर्द और औरतें मगरबी कपड़ों में मलबूस नजर आते थे। ये लोग तालीम याफ्ता थे। काबुल के कुछ हिस्सों में मगरबी तर्ज हुकूमत की मुकम्मल झलक नजर आती थी, लेकिन जब हम काबुल से बाहर बामियान गजनी गए तो वहाँ हमने कोई बुनियाद परस्ती तो नहीं देखी, लेकिन खवातीन को अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांपे हुए देखा। इनके सरों पर स्कार्फ थे। उनका कहना था कि 1970 की दहाई में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत थी और बहुत ज्यादा आजादी थी। इस वक्त की काबुल की तस्वीर तासुर देती हैं कि आप लंदन या पेरिस की पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे अफगानिस्तान का जायजा लें तो माशरे की ऐसी तस्वीर मुल्क के दूसरे इलाकों से नहीं मिलती। अफगानिस्तान में खवातीन की हालत को समझने के लिए अगर हम तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि सन 1880 से 1901 तक हुक्मरान रहने वाले अब्दुल रहमान खान ने अपने दौरे हुकूमत में खवातीन की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कदामत पसंद कवानीन में तब्दीलियां की, जैसे अपने शोहर की मौत के बाद औरत की इसके भाई से शादी की रिवायत को खत्म करना, शादी की उम्र बढ़ाना और खवातीन को मखसूस हालात में तलाक देने का हक दिया जाना वगैरह है। अब्दुल रहमान की वफात के बाद उनके बेटे अमीर हबीबुल्लाह ने तख्त संभाला तो अपने वालिद के उठाए हुए तरक्की पसंद इकदाम को आगे बढ़ाया। अमीर हबीबुल्लाह ने शादियों में गैर जरूरी अखराजात पर पाबंदी लगा दी और उनके अहले खाना को पहली बार बगैर निकाब के मगरबी लिबास में अवाम में देखा गया। उन्होंने पहले हबीबिया कॉलेज की बुनियाद रखी जिसमें हिंदुस्तान, तुर्की और जर्मनी के उसाजा को मदु किया गया। हबीबुल्लाह के कत्ल के बाद उनके बेटे इमानुल्लाह ने कबाइली सकाफत के कवानीन में खवातीन की आजादी की बात की। इमानुल्लाह ने अवामी तौर पर पर्दा और मर्दों की ज्यादा तादाद में शादियां करने की मुखालफत की और काबुल और इसके गिरदो नवाह में लड़कियों की तालीम पर जोर दिया। इमानुल्लाह ने एक अवामी तकरीब में कहा कि इस्लाम में खवातीन को अपने जिस्मों को ढांपने और किसी खास किस्म के निकाब पहनने की बात नहीं है। गोया जिरगा या कबायली रहनुमाओं की जनरल काउंसिल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और मर्दों की 21 साल करने की पॉलिसी की मुखालफत की और लड़कियों की तालीम के खिलाफ आवाज बुलंद की। यहाँ तक के अमानुल्लाह को अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करनी पड़ी। सन 1970 की दहाई के अख्ताम तक खवातीन की जिंदगी बेहतर होना शुरू हो गई। तालीम के मैदान में वो यूनिवर्सिटियों में काम कर रही थी और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी कर रही थी, लेकिन फिर 1970 की दहाई के आखिर में सोवियत फौजियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उनका मकसद उस वक्त की कम्युनिस्ट हुकूमत की मदद करना था। सोवियत फौज मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रही थी। मुजाहिदीन ग्रुपों को अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब समेत कई दूसरे मुमालिक की हिमायत हासिल थी। सोवियत रूस की फौजें सन 1999 में अफगानिस्तान से निकली, लेकिन मुल्क में खाना जंगी जारी रही। इस वजह से फैलने वाले इंतजार में तालिबान को पनपने का मौका मिला। सन 1992 से 1996 के अरसे में रोजाना पुरतशद वाकयात जैसे कत्ल,
असमत दरी, आजाद काटना और मुजाहिदीन ग्रोहों के दीगर पर तशद्दुद के वाकयात की कहानियां सामने आने लगी थी। लड़कियां रेप और जबरी शादियों से बचने के लिए खुदकुशी भी कर रही थी। जब उन्होंने सन 2003 में तालिबान के जाने के बाद अफगानिस्तान का दौरा किया तो पूरा काबुल बदल गया और वहाँ एक पत्थर को भी पहचानना मुश्किल था। काबुल में भी खवातीन को सिर्फ बुरके में देखा गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर साल वहाँ बहुत कम लेकिन तरक्की नजर आने लगी। खवातीन बुरके में ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमेशा अपने सर ढांप कर रखती थी। कहते हैं कि ताजिक लड़कियां ज्यादा तरक्की पसंद हैं और आपको उन इलाकों में ज्यादा लड़कियां निकलती हुई नजर आती हैं। चनाचे तालिबान के दौरे इक्तदार में आने के बाद अवाम में फिर खौफ फैल चुका है। अगरचा तालिबान कह रहे हैं कि वो शरी निज़ाम के तहत खवातीन को हकूक देने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि फिलहाल तालिबान के बारे में यकीन करना और कुछ कहना बहुत मुश्किल है। उनके मुताबिक ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ खवातीन को इस्लाम की बुनियाद पर हक दिए गए, फिर वो कौन सी शरीयत नाफिज करेंगे। नाज़रीन, तालिबान ने दोबारा इक्तदार में आने के बाद इस बात की तो यकीन दहानी करवाई है कि वो ख्वातीन को पर्दे में रहते हुए तमाम काम करने की आज़ादी देंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि हालात किस तरफ रुख करते हैं। अपने मेज़बान वजी अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।